नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। आज हम बात करेंगे पाइथन पर डिवीजन के प्रोग्राम के बारे में। पाइथन पर एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ जिसमें मैंने ये बताया है कि हम दो नंबर्स को सम कैसे करा सकते हैं। ओके, सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, पाइथन का टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो python.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो आप 64 बिट वाला वर्जन डाउनलोड कीजिए, या 32 बिट भी डाउनलोड कर सकते हैं जिनका वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम का 64 बिट का है वो, और जिनका 32 बिट का है वो 32 बिट वाला डाउनलोड कर लें। वेबसाइट है python.org, मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं पाइथन टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर हमें न्यू फाइल लेनी है, यहाँ पर जाकर न्यू फाइल लेने के बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा, ठीक है। सबसे पहले दो वेरिएबल बनाने होंगे, तो एक्स मैं बना लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे इनपुट, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इनपुट लिखने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, तो इनपुट नहीं लिखेंगे, पहले इंट लिखेंगे, पहले हम डिसाइड करेंगे कि डेटा टाइप क्या है। तो इंट लिख दिया, अब यहाँ लिखेंगे इनपुट, अब यहाँ लिख ब्रैकेट लगाएंगे, अब यहाँ जो ब्रैकेट में देना है वो दे देंगे, इंटर फर्स्ट नंबर, FIRST, इंटर फर्स्ट नंबर, ये दे दिया हमने। अब यहाँ पर इंटर सेकंड नंबर, यहाँ कोई सेमीकोलन लगेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, दो ब्रैकेट लिए इसलिए दो ब्रैकेट क्लोज भी करना होगा। इंटर आएंगे, इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई, सेकंड वेरिएबल बनाया हमने, वाई इज इक्वल टू इंट इनपुट इनपुट, इंटर द सेकेंड नंबर करेंगे, इंटर द सेकेंड नंबर, अब यहां पर इसको डिफाइन करने की बारी है, तो जेड एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, जेड इज इक्वल टू, अब चूंकि हमें डिवाइड करना है तो ए अपॉन बी करेंगे, सॉरी एक्स अपॉन वाई करेंगे, बस इंटर करके नीचे आएंगे। अब यहां प्रिंट कराएंगे, लिखेंगे प्रिंट द डिवीजन अब ये द डिवीजन लिख लिया हमने, तो ये द डिवीजन जो लिखेंगे ना वो डबल इंटेड कॉमा में रहेगा, तो डबल इंटेड कॉमा लगाते हैं, द डिवीजन ऑफ, अब बस इस कॉमा को क्लोज करिए, कॉमा दीजिए। अब चूंकि जो वेरिएबल बनाया है उसको वैसे रखना है, उसको डबल इंटेड कोट्स में नहीं रखना है, द डिवीजन ऑफ एक्स, एक्स लिख करके कॉमा देना है। अब फिर एंड लिखना है हमें, तो एंड कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो इसको डबल इंटेड कोट्स में ये लिखते हैं हम, एंड एंड वाई, वाई लिख दिया। अब फिर इज लिखना है, एज, तो ये भी डबल इंटेड कोट्स में रहेगा, कॉमा देंगे, जेड कर देंगे, जेड, तो जेड तो कोई वेरिएबल है नहीं, ये स्पेस हम हटा भी सकते हैं, नहीं हटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए इसको इंटर करते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, इनपुट लिखना होगा, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है, तो इनपुट लिख करके और हमें इसे सेव करना होगा। मैं इसे एक नाम से सेव कर देता हूँ, जैसे डी आई भी नाम से मैं इसे सेव कर देता हूँ, डी आई भी डॉट पी वाई, डॉट पी वाई लगाना ना भूलिएगा आप, क्योंकि ये पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो ओके करते हैं, इसको डी वाई नाम से कोई सेव है पहले से, तो मैं इसमें एक और भी जोड़ देता हूँ, इसको ओके करते हैं। अब ये सेव हो चुका है, इसको रन कराने की बारी है, तो F5 से भी आप रन करा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूं, तो ये देखिए इंटर द फर्स्ट नंबर, यहां पर आपको इंटीजर वैल्यू देनी होगी, और ध्यान रखिएगा कि पॉइंट ऐसे वैल्यूज मत दीजिएगा जो कि पॉइंट्स में जिसका आंसर आए, ठीक है। जो पॉइंट्स वाले प्रोग्राम है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए पहले एंटर करते हैं, 6 इंटर करता हूँ, अब 2 इंटर करता हूँ क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर देखिए 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 टाइम में डिवाइड हो गया ये, तो ये आंसर हमारा आ गया। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, फ्लोट वाले वीडियोस मैं अगले बार बनाऊंगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।